हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 4th, और आज स्टार्ट करने जा रहे एम्पियर सर्किटल लॉ। इंतजार था, नहीं समझ में आ रहा था। आज के लेक्चर में एम्पियर सर्किटल लॉ 100% क्लियर हो जाएगा। गॉस लॉ पढ़ा था ना, गॉस लॉ का चचेरा भाई है ना, इट इज़ दी ब्रदर, मतलब चचेरा ब्रदर ऑफ गॉस लॉ। माई इंग्लिश ऑक्सफर्ड, यू नो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बेसिक तरीका क्या था? फॉर्मूला यूज कर लिया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। कहाँ से आया था फॉर्मूला? कूलम्स लॉ से आया था। और अगर हमारे पास स्फीयर वगैरह आ जाते थे, सिलेंडर वगैरह आ जाते थे, तो एक और मैथड था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, गॉस लॉ, है ना। कुछ इंटीग्रेशन वगैरह करते थे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड, याद आ गया। इसी तरह से मैग्नेटिज्म में जो बेसिक तरीका है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का करंट कैरिंग वायर की वजह से, वो है बायो सेवर्ट्स लॉ। जैसे वहां कूलम्स लॉ था, एकदम बेसिक मेथड, जिस पे हमने 3 वीडियो किए भी, पहले 3 वीडियो। और एक और एडवांस मेथड आया जिसमें सिमेट्री विमेट्री रिक्वायर्ड होगी, लाइक गॉस लॉ, और उसको हम बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, पढ़ा जाए इसको। तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए। मेरा नाम है अलख पांडे, हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स वाला। हेडिंग लगाइए एम्पियर सर्किटल लॉ। चूहे को मार के खाना बंद करें, सर जिंदा खा जाए इसे डाल के। अरे छोड़ दो उसको, पढ़ाई पे ध्यान दो। अगल बगल दरवाज़ा बंद कर लो, छोटे भाई बहन को पीटना बंद करो। एक सीक्वेंस में लेक्चर देखो, बाद में बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल करा देंगे, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ इस लेक्चर से क्लियर हो जाएगा। अब कई लोग कहेंगे सोलेनाइड वाला सवाल नहीं है, टोराइड नहीं है, सब आगे लेक्चर्स में आएगा अभी, है ना। सोलेनाइड की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड है, टोराइड की क्या मैग्नेटिक फील्ड है। जो आलसी लोग हैं, हमारी वेबसाइट पे चले जाएं www.physicswallahalakhpandey.com, और वहां जाके इस लेक्चर का PDF नोट्स डाउनलोड कर लें, लिखे लेक्चर, है ना। नॉर्मल लोग भी जा सकते हैं, इसका बढ़िया एकदम कोटा लेवल वाला असाइनमेंट वहां पे अपलोडेड है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़िया असाइनमेंट है, विद सॉल्यूशन है, प्रीवियस ईयर IIT क्वेश्चन सब है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ए सर्किट, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो यार किस लिए यूज होता है ये? टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हम कह सकते हैं इट इज एन ऑल्टरनेट मैथड, alternate method to find magnetic field strength ठीक है। और इसका जो basic method है वो कौन सा है? बोलो बोलो, basic method कौन सा है? बोलो भाई, नींद से जागो। बायो सेवर्ट लॉ, जो कि हम पहले 3 वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए थोड़ी सिमेट्री मिट्री चाहिए होगी, जैसे गॉस लॉ में चाहिए होती थी। देखते हैं क्या है। मान लो हमारे पास 2 करंट कैरिंग वायर हैं, 2 तार हैं। एक तार में करंट ऐसे व्हाइट बोर्ड के अंदर जा रहा है, ये क्रॉस बना दिया I1, करंट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड। और दूसरा वायर मान लो ये है I2, इसमें करंट बाहर आ रहा, व्हाइट बोर्ड से बाहर निकल रहा, ठीक है। 2 तार हैं, एक तार में करंट ऐसे अंदर जा रहा, एक में ऐसे बाहर आ रहा। और थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो कि ये इनफाइनाइट वायर है। आज जितनी भी हम बातें करेंगे इनफाइनाइट वायर की करेंगे, तो मान लेते हैं ये इनफाइनाइट वायर है। हमसे किसी ने कहा कि इन दोनों वायर की वजह से पी पॉइंट पे बताइए क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी। अच्छा, तो बायो सेवर्ट लॉ से लगा के इंटीग्रल इंटीग्रेट कर सकते हैं डीबी का, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई ना। एम्पियर सर्किटल लॉ अपनी स्टाइल में बोलते हैं कि जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उसको काटते हुए एक लूप बनाइए, उसको काटते हुए, उस पे दौड़ाते हुए एक लूप बनाइए जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। बेटर होगा लूप थोड़ा सिमेट्रिकल हो, जो करंट है उसके अबाउट बेटर होगा। फिर वो कहते हैं कि इस लूप का एक डायरेक्शन भी डिसाइड कर लीजिए। चलो हमने एक डायरेक्शन डिसाइड कर लिया, मान लो ये ले लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ध्यान देना ये लूप है, इट इज लूप। इस लूप को हम बोलते हैं एम्पियर्स लूप, ठीक है। दिस इज अ सर्किल, ये याद रखना। स्फीयर नहीं है, जैसे गॉस लॉ में क्या करते थे, चार्ज के अबाउट स्फीयर बनाते थे, क्यूब बनाते थे, है ना।
वहां E डॉट A चलता था, वहां एरिया वेक्टर देखते थे, यहां लेंथ देखते हैं। क्या देखते हैं यहां पे? लेंथ। जितना भी खेल होना है सब लेंथ के अलोंग होना है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ लो कि आपने एक धागा रख दिया, ऐसे इस पॉइंट को काटता हुआ ऐसे एक धागा रखा, लेंथ की कहानी होगी सारी। यहां वहां कहानी एरिया वगैरह की थी, यहां लेंथ की कहानी है। सरफेस नहीं है ये, एक लेंथ, एक सर्किल है, क्लियर है। अच्छा, फिर हमने कहा कि लूप का डायरेक्शन ले लो, इन्होंने भी ले लिया ऐसे ऐसे। अब लूप का डायरेक्शन क्यों लिया? क्योंकि इन्होंने कहा कि ये जो दो करंट हैं, इनमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्योंकि एक अंदर जा रहा है एक बाहर। तो हमने कहा कैसे डिसाइड करें, तो उसके लिए लूप का डायरेक्शन बनाते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, जो आपका मन हो। फिर इन्होंने कहा कि लूप के डायरेक्शन में अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कल करें। राइट हैंड मिल गया आपको? नहीं, बगल वाले का नहीं, अपना, चूहे का राइट हैंड उठा रहा है, ये रहा नहीं अपना। तो राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें जैसे ये लूप घूम रहा है, जिधर आपका थंब पॉइंट करे दैट इज द पॉजिटिव डायरेक्शन। थंब किधर पॉइंट कर रहा है? अंदर। देखो, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल किया जैसे लूप घूम रहा, जिधर थंब पॉइंट किया दैट इज पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव हो गया। मतलब आई वन को हम पॉजिटिव मानेंगे और डेफिनेटली आई टू को नेगेटिव मानेंगे। देखो, थंब इधर जा रहा है ना, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन और ये नेगेटिव, ठीक है। वैसे बहुत कम होगा कि आपको दो तीन करंट मिले, मैक्सिमम आज के लेक्चर में एक ही करंट मिलेगा, तो लूप के डायरेक्शन के बिना काम हो जाएगा, बट हम पूरा डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में आपको एक ही करंट मिलेगा, तो उसको तो सीधा पॉजिटिव ले लो, पर जब दो मिले है ना, कोई अंदर कोई बाहर, तब फिर लूप का डायरेक्शन जो थंब के अलोंग हो दैट इज पॉजिटिव, जो अपोजिट वो नेगेटिव। लिख लो, इस बात को लिखा नहीं रहा। क्या? कि कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, the direction in which your thumb points is the positive direction and the opposite direction is negative. और curl किसमें करना है? In the direction of loop. Arbitrary direction है, आपने खुद assume किया है, anti-clockwise भी ले सकते थे। फिर ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं integral b dot dl is equals to mu not I inside. अब ये क्या कहानी हुई? यही है basic law। वहाँ था integral e dot da is equals to q inside upon epsilon not. इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन साइड, समझा जाए इसको। इस लूप पे आप कहीं पे भी एक डीएल लेंथ ले लो, लेंथ की कहानी है, डीएल लेंथ ले लिया, एंड दिस डीएल इज अ वेक्टर डायरेक्शन, जो लूप का डायरेक्शन, बात क्लियर। कहीं पे यहां ले लो, कहीं पे भी डीएल डायरेक्शन जो लूप का डायरेक्शन, यहां पे डीएल डायरेक्शन जो लूप का डायरेक्शन, बेसिकली डीएल आपको पूरे वायर में लेना होगा। फिर मान लो कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी है ना। ऐसा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम होती है या जीरो होती है, अभी लिखवाएंगे अजम्पशन। फिर यहां पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसका डॉट प्रोडक्ट लो डीएल के साथ, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डॉट प्रोडक्ट डीएल के साथ, यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डॉट प्रोडक्ट डीएल के साथ। अभी पता नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, मान लिया बी 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 डॉट डीएल बी डॉट डीएल, फिर यहां पे आ गए, ये रहा डीएल, फिर यहां की मैग्नेटिक फील्ड डॉट डीएल, फिर यहां की मैग्नेटिक फील्ड डॉट डीएल, ऐसे करते हुए इस पूरी रिंग के अलोंग बी डॉट डीएल का वर्ड ध्यान देना, लाइन इंटीग्रल करो, ठीक है। गॉस लॉ में सरफेस इंटीग्रेशन होता था, ई डॉट डीए पूरे एरिया पे, ई डॉट डीए ई डॉट डीए ई डॉट डीए, यहां बी डॉट डीएल बी डॉट डीएल बी डॉट डीएल बी डॉट डीएल पूरे लूप का कर लिया, और डीएल का डायरेक्शन जो लूप का डायरेक्शन माना था, ठीक है। अब बी डॉट डीएल की जो नेट वैल्यू होगी दैट विल बी म्यू नॉट आई इनसाइड, जितना करंट अंदर है इसके। अब आई इनसाइड कितना होगा ध्यान देना, आपके सारे क्वेश्चन में आई इनसाइड की वैल्यू आई होगी, पर यहां क्योंकि दो करंट है मैंने पूरा कॉन्सेप्ट लिया है, तो जो पॉजिटिव करंट है उसको आई वन लिख लिया और नेगेटिव को माइनस आई टू, दैट इज द नेट करंट इनसाइड द लूप। अब यही दोनों करंट एक ही डायरेक्शन में होते तो लूप उप का डायरेक्शन लेने का जरूरत था ही नहीं आपको, दोनों करंट सेम डायरेक्शन में, सीधा म्यू इनसाइड आई इनसाइड सीधा आई के बराबर हो गया है ना, आई वन प्लस आई टू हो गया, एक ही करंट है तो आई हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन है तो आई वन प्लस आई टू कर दो है ना, दोनों अंदर है आई वन प्लस आई टू, दोनों बाहर आई वन प्लस आई टू, छोड़ दो, बी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लेके आना है, बात समझो। जब दोनों करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तभी ये सब करना कि लूप का डायरेक्शन, तो हमने एकदम आपको सबसे बढ़िया वाला चीज समझा दी, इससे आसान आता है, एक ही करंट रहता है मैक्सिमम टाइम, तो म्यू नॉट आई इनसाइड, वहां क्यू इनसाइड था यहां आई इनसाइड, वहां एरिया में इंटीग्रेशन था यहां लेंथ में, सारी कहानी लेंथ में, एक धागा लगा देना उस धागे के अबाउट बी डॉट डीएल बी डॉट डीएल बी डॉट डीएल बटोरना है। अभी आप कह रहे हो बी कहां है, अभी बताते हैं,
ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई आपको? B.dl कहानी क्लियर हुई? अच्छा, अब इन्होंने कहा कि ये लॉ हर जगह मत लगाइए, वैलिड है बट यूजफुल नहीं है, जैसे गॉस लॉ, वैलिड एवरीवेयर बट यूजफुल इन सिमेट्री। तो इन्होंने कहा दिस लॉ इज ऑल्सो यूजफुल इफ ये मिटाल लें, इफ दिस लॉ इज ऑल्सो यूजफुल इफ लॉ इज यूजफुल इफ, ऐसा नहीं कह रहे कि लॉ लगा नहीं सकते, लगा कहीं भी सकते हो, बट यूजफुल कहां पे बता रहे, इफ बी इज टेंजेंशियल टू लेंथ, जो लेंथ ले रहे हो उसके साथ टेंजेंशियल मतलब बी इसी के डायरेक्शन में ऐसे टेंजेंशियल, नॉन जीरो एंड कांस्टेंट, जीरो ना हो, टेंजेंशियल हो और कांस्टेंट हो, जो यहां पे हो वही यहां पे हो, वही यहां पे हो, वही यहां पे हो, वही यहां पे हो, ठीक है। तो बड़ा आसान हो जाएगा इस केस में जब आप बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन करोगे, तो b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, पहले तो b डॉट डी एल जब करोगे तो b डी एल कॉस जीरो लिख लोगे, टेंजेंशियल टू लेंथ है ना, तो कॉस जीरो आ जाएगा, है ना, कॉस जीरो वन हो जाएगा, b कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या हो जाएगा, पूरे वायर की लेंथ हो जाएगी, पूरे धागे की लेंथ। तो एक तो या तो ये केस हो कि b टेंजेंशियल हो, लेंथ के अलॉन्ग हो, कॉन्स्टेंट हो, तो उससे क्या होगा, b डॉट डी एल की जगह b डी एल कॉस जीरो लिख सकेंगे पहली चीज, है ना भैया, ये वेक्टर है ना। दूसरी चीज cos 0 1 होता है, b कांस्टेंट है बाहर ले लिया और dl का इंटीग्रेशन लेंथ हो जाएगा। या तो दूसरी कंडीशन वो कहते हैं b इज नॉर्मल टू लेंथ, b हर जगह लेंथ के नॉर्मल हो, या तो ये हो या तो ये हो। अब b नॉर्मल टू लेंथ में भी कहानी आसान हो जाएगी, b डॉट dl विल बी 0, भैया cos 90 का फैक्टर आ जाएगा, परपेंडिकुलर है ना लेंथ के, ऐसे cos 90 ऐसे, b ऐसे जा रही है, dl ऐसे 90 डिग्री। और तीसरी चीज ये बोलते हैं, या तो b वैनिशेस, वैनिशेस बोले तो b की वैल्यू ही जीरो, लो भैया अब जब b की वैल्यू ही जीरो होगी तो इंटीग्रल b डॉट dl तो जीरो ही हो जाएगा, समझ लो। तो इन तीन केसेस को अगर हम किसी तरह से देख पाए फिगर के अंदर, तब ये लॉ ज्यादा यूजफुल होगा। मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि ये वैलिड कहीं पे भी है बट यूजफुल यहां ज्यादा। अब कई लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी कभी गलत नहीं बोलते, ऐसा नहीं है, लोग बोलते हैं एमआईटी किताब पढ़ो अच्छी, कहते ठीक है डेविड एंड ग्रिफिथ की किताब आप पढ़िए, ग्रिफिथ की किताब साफ साफ कहती है कि ये चीज कहीं पर भी वैलिड है, एम्पियर सर्किटल लॉ कहीं पर भी वैलिड है बट यूजफुल यहां है। और एनसीईआरटी कहती है कि एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है तो ये कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। बताओ क्या सही है, हर जगह वैलिड है एम्पियर सर्किटल लॉ बट यहां पे ऐसे केसेस में यूजफुल होता है, इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, वरना बहुत खतरनाक मैथमेटिक्स आ जाएगी, फिर फायदा क्या है लॉ यूज करने का। और एनसीईआरटी कहती है नहीं नहीं ये इसी कंडीशन में वैलिड है, ऐसा नहीं है, वैलिड हमेशा है, क्लियर है। तो या तो बी लेंथ के अलॉन्ग हो तो बी डॉट डी एल कॉस जीरो बी इन टू एल, है ना, या तो परपेंडिकुलर तो बी डॉट डी एल में कॉस 90 जीरो हो जाए, या तो बी वैनिश कर जाए, और जितनी सिमेट्री हो उतना बढ़िया है ना। दिस लॉ इज यूजफुल फॉर हायर सिमेट्री, जितना सिमेट्री होगा उतना यूजफुल, जैसे कि हमारा गॉस लॉ था, बट ये नहीं कह रहा कि वैलिड नहीं है, समझ में आ गया। इंटीग्रल बी डॉट डी एल लेंथ के अलॉन्ग बी डी एल को इंटीग्रेट करो, बी डॉट डी एल बी डॉट डी एल बी डॉट डी एल, अब समझ भी गए होगे कि क्या दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि वो खुद ही कह रहे हैं तभी लगाओ जब बी लेंथ के अलॉन्ग हो या परपेंडिकुलर हो या जीरो हो, भाई परपेंडिकुलर होगा बी डॉट डी एल जीरो आ जाएगा, अलॉन्ग होगा बी डॉट डी एल बी डी एल कॉस जीरो, साथ में ये भी कह रहे हैं कि कॉन्स्टेंट भी हो, लो तुम्हारी सारी तकलीफ खत्म है, कॉन्स्टेंट भी है इंटीग्रेशन से बाहर भी आ जाएगा, टेंशन नहीं, सब बड़ा आसान है। और मैंने तुमको वो केस भी बता दिया जब दो अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन करंट हो, ये वाला केस जल्दी मिलेगा नहीं आपको, शुरू करें हम, सिंगल करंट रहे तो म्यू नॉट आई इनसाइड और अंदर का करंट लगा दो। अब मैं आपको एक यूजफुल बात और बता दूं आगे बढ़ने से पहले, ये सब बातें हो गई छाप लो। अब मान लो एग्जाम में लिख के ही आ गया व्हाट आर द कंडीशंस व्हेन यू कैन अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ, देन यू हैव टू राइट दिस ना, हम क्या कर सकते हैं, बोर्ड वाले पूछ रहे हैं तो बोलना हाँ भैया इसी कंडीशन में चलता है, बट सच्चाई जान लो चलता हमेशा यूजफुल यहां है। हो गया, लिख लिया, छाप लिया। अब आपको एक बड़ा बढ़िया पॉइंट बताते हैं, बहुत मस्त, नोट कर लो। ओके, कॉन्सेप्ट से चलते हैं, देखो एक बहुत बड़ी बात हम आपको बताते हैं, बहुत बढ़िया बात।
कि मान लो यहाँ कुछ करंट्स बाहर भी होते, एक करंट मान लो यहाँ बाहर है I3 जो कि अंदर की तरफ है, एक करंट यहाँ है मान लो I4 जो कि बाहर की तरफ है, ऐसे ही मान लिया कि बाहर भी करंट है अंदर भी, तब ध्यान देना दो पॉइंट पे ध्यान देना कि आई इनसाइड में किसको किसको कंसिडर करोगे, I1 and I2, है ना, उसमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है वो खेल समझ के, और जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो पी पॉइंट पे इन सबको यूज करके यूजिंग दिस लॉ इज ड्यू टू ऑल द करेंट्स I1, I2, I3, I4, ये जादू है भैया, ऐसा ही होता है, चाहे वेदर इनसाइड और आउटसाइड लूप, लूप भी आपने खुद ही माना है। ये चीज हमने गॉस लॉ में बताई थी कि कितने भी चार्जेस हो जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो इट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस वेदर दे आर इनसाइड योर गॉसियन सरफेस और आउटसाइड योर गॉसियन सरफेस, बट जब आई इनसाइड कंसिडर करना है तो वहां पे सिर्फ इनसाइड वाले ने, समझे नहीं, जादू हो रहा, जादू कि जो मैग्नेटिक फील्ड निकालता है फॉर्मुला यूज कर ले, उसमें करंट सिर्फ अंदर वाला रखना है, पर भैया जो ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है यहां पे इट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस ऑल द करंट्स अराउंड इट, कोई उस वहां दूर में भी कोई करंट होगा तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड आई है उसको भी अपने आप इसने अंदर इंक्लूड किया है, भले ही आप लिखते वक्त सिर्फ आई इनसाइड रखते हो, ये जादू है इसका, है ना, द बी दैट यू आर डिटरमाइनिंग इज ड्यू टू ऑल द करंट्स वेदर दे आर इनसाइड और आउटसाइड, बट आई इनसाइड में सिर्फ अंदर करंट रखने हैं, समझ में आ गया, एम्पियर सर्किटल लॉ, कहीं पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो क्या करो, एक लूप बनाओ जो कि 2D फिगर होना चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक नहीं कि स्फीयर स्फीयर बनाया क्यूब व्यूब बनाया, ऐसा नहीं करेंगे, लूप क्या होगा, सर्किल बना दिया, स्क्वायर बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, समझ लो लाइन इंटीग्रल करना है, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड जितना करंट इसके अंदर है, जो मैग्नेटिक फील्ड आती है इज ड्यू टू ऑल द करंट चाहे अंदर चाहे बाहर, फिर क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो, या तो लेंथ के अलॉन्ग हो या तो लेंथ के परपेंडिकुलर हो, और जब लेंथ के अलॉन्ग हो तो कॉन्स्टेंट हो ताकि बाहर ला सके, या तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो, समझ गए, चलो कंडीशन याद रखना कि कब लगाना यूजफुल होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के अलोंग हो और कांस्टेंट हो नॉन जीरो हो तब भी बाहर आ जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन लेंथ हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, बहुत हो गई बातें, इसका एक प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं और निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ये काम हम लोग बायो सेवर्ट से कर चुके हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर निकाला था, याद आ रहा है, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4πI/R, और क्या था, sin 90 + sin, याद आ रहा है, sin θ1 sin φ1 sin φ2, दोनों को 90 sin 90 1 sin 90, वो भी 1, तो कितना आया था 2I/R, ये आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। यही चीज अब हम निकालने की कोशिश करेंगे यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो मान लेते हैं यहां हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट नहीं कंप्लीटली इनफाइनाइट, और उसमें करंट आई दौड़ रहा, और हमसे कहा कि इस वायर से आर डिस्टेंस दूरी पर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो। एम्पियर सर ने हमसे क्या बोला, एम्पियर सर ने हमसे बोला कि आप पी पॉइंट को काटता हुआ एक धागा रखो जो थोड़ा सिमेट्रिकल हो। तो हमने कहा यार ऐसे एक सर्किल बना ले, बहुत बढ़िया, समझ रहे हो, तार ये है, हमसे बोला आर डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड, निकालो ऐसे हम सर्किल बना लेते हैं टोपी को काटते हुए। एक काम करो, इसका आओ टॉप व्यू देखते हैं, ज्यादा मजा आएगा, टॉप व्यू, इसको ऊपर से झांक के देखते हैं, ऐसे किचक ऊपर से देखोगे तो आपको एक गोला दिखेगा ऐसे कुछ। अरे भाई ऊपर से देखोगे ऐसे गोला दिखेगा, गोला ऐसे बने ना, ए भाई यहां से तार आ रहा है गोला ऐसे बने, इसको देखो गोला दिखे गोला, हाँ, और गोले में से करंट ऐसे बाहर आता हुआ, करंट आई ऊपर से देखा करंट ऐसे बाहर आता हुआ, डॉट बना दिया, करंट बाहर आ रहा है और ये गोला दिख गया, ठीक है, अच्छा पी पॉइंट कहां है, ये रहा पी पॉइंट। अब इंटीग्रल बी डॉट डीएल, इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, इन मतलब इन साइड, ठीक है। अब बात आई कि कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं, लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, अच्छा करंट ऐसे बाहर आ रहा है
यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, राइट हैंड थंब रूल से सिखाया है बायो सेवर्ट में, कंफ्यूज मत होना। करंट ऐसे बाहर आ रहा, थंब ऐसे रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड खचक, अब कहोगे लूप का डायरेक्शन ऐसे ही निकाला था। अरे यार ये चीज सिखाई, यहां लूप का डायरेक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है, एक करंट में मत लो, जब दो करंट हो अपोजिट डायरेक्शन में तब एक पॉजिटिव नेगेटिव, एक में जरूरत ही नहीं। तो करंट ऐसे बाहर आ रहा, मैग्नेटिक फील्ड खचक, यहां पे खचक, बोलो भाई करंट ऐसे बाहर आ रहा, मैग्नेटिक फील्ड खचक, करंट ऐसे बाहर आ रहा, मैग्नेटिक फील्ड खचक, नहीं आ रही है चीज। सिखाया था ना मैग्नेटिक फील्ड निकालना, कि थंब को करंट के डायरेक्शन में रखो, फिंगर्स को कर्ल करो, तो थंब को करंट के डायरेक्शन में रखा, फिंगर्स को कर्ल किया, खचक 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 खचक। अरे ये क्या चीज है, ये एम्पियर्स लूप है भैया, व्हाट इज दिस, दिस इज एम्पियर्स लूप, आपने इमेजिनरी बनाया है, सिमेट्रिकल ऐसे वायर के अगल बगल। मैंने कहा ऐसे समझ में नहीं आ रहा, मैंने सीखा ऐसे ऊपर से टॉप व्यू ले लिया, ये गोला है और ये करंट है, ठीक है। अब हमने कहा डीएल लेना है, तो यार एक काम करो ना, डीएल को ऐसे ले सकते हैं, डीएल को यही होगी लेंथ, ये होगी डीएल। तो देखो पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही मेरे ख्याल से, कौन सी, कि बी इज टेंजेंशियल, दिख ही रहा है टेंजेंशियल, करंट जा रहा है खचक 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 खचक, भाई करंट से बाहर है खचक खचक खचक, हर जगह कैसी आ रही, टेंजेंशियल। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, यहां से कितना डिस्टेंस है r, कि b इज टेंजेंशियल, दूसरी चीज b इज कांस्टेंट, भाई तार से यहां जितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी यहां उतनी यहां उतनी यहां उतनी यहां, देखो ना ये तार है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड देखो खचक ऐसे जा रही, खचक ऐसे जा रही, खचक ऐसे जा रही, और हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बराबर होगी क्योंकि तार से इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो पहली कंडीशन बढ़िया सेटिस्फाइड है, b इज टेंजेंशियल, देखो b इज टेंजेंशियल, b इज नॉन जीरो एंड बी इज कॉन्स्टेंट, बहुत बढ़िया। तो हम इसको लिख सकते हैं बी डी एल कॉस जीरो इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इन साइड, आई इन साइड को आई लिख लो, दो करंट ही नहीं है तो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ही नहीं है। कॉस जीरो वन हो गया, इंटीग्रेशन लगाए, कॉस जीरो वन हो गया, यहां से बी कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया, भाई जितना बी यहां उतना यहां, सब बराबर डिस्टेंस में, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कॉस जीरो वन, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, डी एल 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 जोड़ोगे पूरी लेंथ जुड़ जाएगी, ये पूरी लेंथ कितनी होगी 2 पाई आर, कोई कंफ्यूजन, सर्कमफेरेंस के बराबर, cos 0 1 हो जाएगा, dl का इंटीग्रेशन करोगे, dl 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 कितना हुआ, पूरी लेंथ जुड़ गई 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, यहां से मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय आर, अरे वही तो लिखा है, 2 से कैंसिल कर दो ना, 2 2 जा 4, म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय आर, बोलो आ रहा है। तो एक बार एग्जाम में पूछा भी जाता है बोर्ड एग्जाम में कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, डन, यहीं पे देख लो, यहीं पे मान लो ये करंट खचक, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी, यहां पे देखो ना टेंजेंशियल, हमने कहा ये डीएल वेक्टर ले लो, हमने कहा ये डीएल वेक्टर ले लो, ये डीएल वेक्टर ले लो, तो हमेशा दिख रहा है दोनों सेम डायरेक्शन में, तो बी डॉट डीएल के बी डीएल कॉस जीरो, कॉस जीरो वन हो गया, बी बाहर है कॉन्स्टेंट हर जगह सेम डिस्टेंस पे, तो बी बराबर होगा, बाहर ले लिया, डीएल के इंटीग्रेट किया, डीएल 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 लेंथ के बराबर 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, इसके अंदर कितना करंट है आई, जितना इसके अंदर से पास कर रहा हो लूप के, क्लियर हुआ, आगे बढ़े। ओके तो ये तो हमने सबसे बेसिक क्वेश्चन इसका लिया और देखा कि हाँ आंसर मैच कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर कैरिंग करंट ऑन इट्स सरफेस। आपको फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड वायर, ना ऐसा समझ सकते हो सिलेंड्रिकल वायर हॉलो सिलेंडर जैसा है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हॉलो सिलेंडर या हमने हॉलो स्फीयर पढ़ा था, जितना भी करंट है इसके सरफेस पे है ना, कैरिंग करंट ऑन इट सरफेस, इसके अंदर कोई करंट नहीं है, यही बोल रहे हैं, ठीक है, एट डिस्टेंस आर From its axis, कहां पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल r डिस्टेंस पे, एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम इट्स एक्सिस, और मान लो जो रेडियस है इसका
सिलेंडर का, दैट इज कैपिटल आर। ठीक है, मतलब एक हॉलो सिलेंडर टाइप का दिया, जैसे मान लो ये दिया, मैं इनफाइनेटली लॉन्ग भी दिया है और जो करंट है इसके सरफेस पे है, ऐसे अंदर कोई करंट नहीं है इसके। ठीक है, हमसे बोल रहा है सिलेंडर का रेडियस है कैपिटल आर और हमसे कह रहा है इसकी एक्सिस से, एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स एक्सिस, कहां पे, इनसाइड एंड आउटसाइड वायर, अंदर भी और बाहर भी। अब हम तार के अंदर चले गए और बाहर भी आना है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अंदर वाले पॉइंट को चलो मैंने पी बोल दिया और एक बाहर पॉइंट ले लेते हैं, चलो यहां पे क्यू ले लिया, आर डिस्टेंस पे भी मान लो। ठीक है, ये भी आर डिस्टेंस पे, आर की वैल्यू वेरिएबल है एट अ डिस्टेंस आर। तो पहले और इनसाइड पॉइंट ले वर्क करते हैं, लेट अस वर्क फॉर इनसाइड पॉइंट। तो इनसाइड पॉइंट कौन सा है, पी, इसके लिए हम बोलेंगे आर इज लेस देन आर। याद है ऐसा स्फीयर वगैरह में हमने किया था वहां पे, इनसाइड पॉइंट पी, आर इज लेस देन आर। ठीक है, हमने कहा अच्छा इसका जरा टॉप व्यू देखते हैं, टॉप व्यू थोड़ी कहानी क्लियर होगी। ऊपर से देखा हमने ऐसे, तो ये हमको दिखा कंप्लीट वायर और वायर में करंट ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है, करंट कहां पे, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, वायर के अंदर कोई करंट नहीं है, सिर्फ सरफेस पे। नहीं समझ रहे, टॉप व्यू देख रहा है ऐसे, तो आपको ये इसका पूरा सर्कमफेरेंस दिख रहा है वायर का और इसी पे करंट ऐसे ऊपर आता हुआ, डॉट बना दे ऐसे, डॉट 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 डॉट, ये आपको करंट दिख रहा। फिर हमने कहा एम्पियर्स लूप कहां बनेगा, तो जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उसके अबाउट लूप बनाते हैं, है ना। जैसे यहां पे हमने क्या किया, ऐसे एक लूप बना दिया इस तरह का, ए ये टॉप व्यू की कहानी समझ में आ रही है। अंदर देखो ये सिलेंडर है, ठीक है, ये पॉइंट पी है, ये सिलेंडर है, ये पॉइंट पी, ये आपने लूप बनाया है। ऊपर से देखोगे तो लूप ऐसा दिखेगा कि नहीं, आपने ऐसे लूप बना दिया, पी पॉइंट अंदर है ना, ऐसे बना दिया, ऊपर से देखा तो ऐसा दिखाई पड़ा, ये रहा लूप। फिर हम लगा देते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, इनसाइड द लूप करंट, इनसाइड द लूप, इनसाइड द लूप कोई करंट ही नहीं है, जैसे इनसाइड द स्फीयर कोई चार्ज नहीं होता था, अब इनसाइड द लूप कोई करंट ही नहीं है, सिंस आई इन इज जीरो, हेंस मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो। तो इस वायर के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, तो आप पास मान लो कोई ऐसा वायर है जो कि कंडक्टिंग नेचर का है, है ना, तो सारा का सारा ऐसे नेचर का है जिसका सारा करंट बाहर आता है। ठीक है, ऐसा हमने कोई हॉलो वायर बना रखा है, तो उसमें अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, बिकॉज आई इनसाइड इज जीरो, जो भी करंट है इसके बाहर है, अंदर यहां कोई करंट नहीं है। सो व्हेन आर इज लेस देन आर देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। आते हैं आउटसाइड पॉइंट पे, आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट इज क्यू, वेयर आर इज ग्रेटर देन आर, क्यू को लिया हमने। अच्छा, फिर क्या करना पड़ेगा आपको, एक गॉसियन सरफेस इमेजिनरी बनाना पड़ेगा ऐसा, है ना। तो इसका भी हम टॉप व्यू देखते हैं, पहले हमको तार दिखाई पड़ा, ये करंट ऐसे आ रहा ऊपर, डॉट मतलब करंट बाहर आ रहा। ठीक है, हमने ऊपर से देखा तो हमको ये पूरा ऐसे सर्कमफेरेंस दिखाई पड़ा, ऐसे करंट ऐसे मेरी तरफ आता हुआ, ऐसे तीर तीर बन के पूरे सर्कमफेरेंस से। अच्छा, क्यू पॉइंट इस बार बाहर है, ये यहां कहीं है। ठीक है, तो इस बार ये बनेगा मेरा एम्पियर्स लूप, ठीक है, और ये है मेरा वायर। बोले इतनी बात क्लियर है, पिछली बार ये वायर था और ये एम्पियर्स लूप, इस बार वायर अंदर रह गया, एम्पियर्स लूप बाहर आ गया, यानी इस बार करंट इसके अंदर आ जाएगा लूप के, है ना। अच्छा, कितनी दूर है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, और ये कितना है, कैपिटल आर डिस्टेंस, है ना। देखो इसका रेडियस आर है और क्यू पॉइंट कहाँ है, स्मॉल आर, आर वेरिएबल है, एक बार आउटसाइड एक बार इनसाइड, समझ लो। तो इस बार मेरे एम्पियर लूप के अंदर सारा का सारा करंट है। इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब यहां हम एक अजम्पशन लेंगे दैट बी इज टेंजेंशियल, अब यहां अजम्पशन लेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टेंजेंशियल, ऐसी 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 ऐसी, है ना, मतलब जब आप ऐसे देख रहे हो इस, यहाँ से सारे सवाल में आईडी में भी जब आता है सवाल तो लिख देते हैं सपोज दैट या अज्यूम दैट बी इज टेंजेंशियल। तो यहाँ से हम मान के चलेंगे, हमारी प्रैक्टिस बन गई इनफाइनाइट केस की, कि करंट ऐसे जा रहा है, ये करंट के डायरेक्शन में थंब रखा और देखा हमने फील्ड, देखो ना हमारे लेंथ के अलोंग आ रही, ये करंट डायरेक्शन में थंब रखा तो फील्ड हमारी, ये हमारा देखो लूप है, तो इस लूप के टेंजेंशियल मिल रही है ना। तो हमने कहा ठीक है यार, जो फील्ड है वो ऐसे ही है, बी
इधर बी, यहाँ बी, यहाँ बी। क्योंकि आप इमेजिन करो इन सारे करंट का इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ये होगा कि सेंटर में एक बड़ा सा करंट ऐसा इमेजिन हो रहा है, तो उस करंट की वजह से फील्ड ऐसे 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 टेंजेंशियल होगी। अच्छा बी डॉट डी एल, तो ये हो जाएगा बी डी एल कॉस जीरो इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, इन साइड कितना है, पूरा करंट अंदर है, इसके सर्कमफेरेंस पे ही करंट है पर सारा का सारा करंट अंदर आ गया इस बार। अब ये इंटीग्रेशन होगा, बार बार ये नहीं करूंगा, बी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कॉस जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी, डी एल डी एल डी एल डी एल, ये डी एल है, ये डी एल है, ये डी एल है, यहां मत करना डी एल डी एल डी एल, एम्पियर्स लूप पे करना है, डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल जोड़ा बी इंटू टू पाई स्मॉल आर, यही बच्चे गलती करते हैं, टू पाई कैपिटल आर। बी डॉट डी एल किसके लिए करना है, एम्पियर्स लूप के लिए, ये रहा एम्पियर्स लूप, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, तो बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई टू पाई आई बाई आर, तो ये तो वही एक्सप्रेशन है जो इन्फाइनाइट वायर का आता है, बी इज प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर का, सिंपल एकदम, बात भी सही है। लूप को क्या पता अंदर क्या है, उसको लग रहा है अंदर एक पतला सा तार होगा जो कि सेंटर से दौड़ रहा होगा, भाई यहां देखने में ऐसा इमेजिन नहीं हो रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड तो एक ऐसे तार की वजह से आई है जो सेंटर से आई करंट लेके भाग रहा होगा, है ना। ऐसा हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने निकाला था स्फीयर की, तब भी ऐसा हुआ था, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसा लगा था कि चार्ज स्फीयर के सेंटर पर रखा है, तो यहां ऐसा लग रहा है कि करंट इसके सेंटर से जा रहा है, रिलेट करोगे तो बहुत समझ में आने लगेगा, ऐसा लग रहा है ये करंट सेंटर से जा रहा है आर डिस्टेंस दूर पे, ये मैग्नेटिक फील्ड, बट अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्योंकि अंदर करंट नहीं है, ठीक है। कोई हमसे कहता है इसका प्लॉट बनाओ, छाप ले बेटा, कोई हमसे कहता है इसका प्लॉट बनाइए, है ना साहब इसका ग्राफ बनाइए, हमने कहा चलिए ठीक है ग्राफ भी बना देंगे, इधर हमने ले लिया बी, इधर ले लिया स्मॉल आर, यहाँ पे मान लो ये सिलेंडर की बाउंड्री, ये मान लो सिलेंडर की बाउंड्री है, सिलेंडर गया हुआ है, तो यहाँ पे कैपिटल आर, तो ये रीजन हो गया इनसाइड और ये रीजन हो गया आउटसाइड का, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमने स्मॉल आर लिया है, ये हो गया आर लेस देन आर की कहानी, आर ग्रेटर देन आर, तो आर लेस देन आर पे मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, तो सीधा बस खिंचा दो एक्स एक्सिस पे, फिर अचानक से बढ़ गई मैग्नेटिक फील्ड, अचानक से फाइनाइट हो गई, है ना, पहले जीरो 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 चली थी फाइनाइट हुई, फिर घटने लगी आउटसाइड में, देखो क्या हुआ, बी इज प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर, बी इज प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर और अंदर बी इज जीरो, बोलो क्लियर है। मैंने थोड़ा सा सिलेंडर बनाने की भी कोशिश की, इनसाइड में बी जीरो है, आउटसाइड इट इज डिक्रीजिंग इनवर्सली विथ आर, क्लियर हो गया। अब वही काम करते हैं जो हमने वहां किया था, हॉलो तो हो गया, अब सॉलिड लेते हैं जिसके अंदर भी करंट दौड़ रहा हो, आओ करें, छाप लें इसको, मिटा लें, ओके। अब पूरी यही कहानी रिपीट करेंगे ऐसे वायर के लिए जिसमें करंट अंदर भी हो, है ना, ये मिटा देते हैं, हॉलो की जगह सॉलिड सिलेंडर ले लेते हैं, इस बार करंट अंदर भी रहेगा, इन्फाइनेटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर कैरिंग करंट यूनिफॉर्मली अक्रॉस, मिटाना पड़ेगा, कैरिंग करंट सिलेंड्रिकल वायर विथ करंट आई डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन, कहाँ कहाँ निकालनी मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड एंड इनसाइड एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम इट्स एक्सिस, और फिर से आप इसके रेडियस को कितना मान लोगे, कैपिटल आर। तो एक तरह से देख लो तो ये जो केस पूरा चल रहा है ये किसका केस है, सॉलिड सिलेंडर का, है ना, जैसे वहां पे हमारे पास था सॉलिड सिलेंडर का जिसके करंट अंदर भी है। अब ऐसा तार है जिसमें करंट पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर, अभी भी इनफाइनेटली लॉन्ग है तो कुछ चीजें कॉमन रहेंगी, मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल रहेगी वगैरह वगैरह, विद करंट आई डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन में बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड है,
आउटसाइड एंड इनसाइड हमको फील्ड निकालनी है एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स एक्सिस, रेडियस ए कैपिटल आर, सॉलिड सिलेंडर बनाए। मान ले कहानी ये है, ठीक है, ये इन्फिनिटी तक गया, इधर भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी लॉन्ग, और जो करंट है साहब वो ऐसा नहीं, यहाँ है करंट पूरे पूरे वायर में करंट फैल रखा है। थोड़ा इसको लाइट बनाने की कोशिश करते हैं ऐसे, पूरा करंट ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ भी करंट है, यहाँ भी करंट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे यूनिफॉर्मली, और सारा करंट मिला के आई हो रहा है, ठीक है। इसका रेडियस हमको बोल रहा है कैपिटल आर, और हमसे कह रहा है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स एक्सिस आउटसाइड एंड इनसाइड। तो एक पॉइंट पी ले लेते हैं जो कि इनसाइड है, और ये इसकी एक्सिस मान लो, मान लेते हैं यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे। एक पॉइंट क्यू ले लेते हैं, इधर ही ले लें इस बार बाहर, ये भी मान लेते हैं आर डिस्टेंस पे है, वेयर आर इज वेरिएबल। तो पहले हम काम करते हैं इनसाइड पे, इनसाइड पॉइंट पी जिसके लिए आर इज लेस देन कैपिटल आर। अब सुनो, इस बार क्या हुआ है कि करंट पूरा अंदर है, है ना। अगर हम पी को लेके यहां पे एक एम्पियर्स लूप बनाएं और टॉप व्यू लें तो खेल कुछ ऐसा होगा, जब आप टॉप व्यू लेको तो खेल कुछ ऐसा होगा कि वायर आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये वायर है, सुनना ध्यान सुनना आप, और पूरे वायर में ऐसे करंट ऊपर आ रहा है, ऐसे समझ लो खूब ढेर सारी इसमें से सीक निकल के आपकी तरफ खूब ढेर सारी आ रही है, डॉट 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 डॉट, समझ गए, सब करंट है, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा समझ लो कि ये जो तार है ये बॉडी सारे छोटे छोटे पतले पतले फाइबर से बना है, इमेजिन होने लगा, ये जो पूरा वायर है मोटा सा एक गुच्छे ऑफ फाइबर से बना है, और हर फाइबर में ऐसे करंट आ रहा है, ऐसा होता भी है ना, तार खूब ढेर सारे फाइबर से बना है, सब में करंट आ रहा है, ये हो गया वायर, और ये बनेगा आपका एम्पियर्स लूप, ये बन गया आपका एम्पियर्स लूप। इस बार एम्पियर्स लूप के अंदर करंट है और पूरा करंट नहीं है, है ना। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, इसका रेडियस कैपिटल आर है, है ना, ये अपना एम्पियर्स लूप है, जो भी इंटीग्रेशन वगैरह होना इसी के अलोंग होना है, अंदर आए ना लूप। भाई पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो पी को काटता हुआ ही तो लूप बनाओगे ना, ऐसा थोड़ी ना कि बाहर चले जाओगे, ये बाहर है। अब दिक्कत ये, हमको इसके अंदर का करंट चाहिए, कैसे मिलेगा, यहाँ करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है किसमें, अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन, यानी एरिया के अलोंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे हम हेल्प लेंगे करंट डेंसिटी की, करंट डेंसिटी पढ़ाते वक्त हमने आपको बोला भी था कि इसका यूज मैग्नेटिज्म में होता है, तो आज इसका यूज होगा। जे इज इक्वल्स टू आई बाई ए, करंट पर यूनिट एरिया मेरे पास है, करंट पर यूनिट एरिया मेरे पास है, मुझे पता है इतने छोटे से एरिया में क्या करंट है, तो मैं इतने बड़े एरिया में भी करंट निकाल सकता हूँ। करंट है आई, इस पूरे का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। भैया आई करंट कितने में, देखो करंट आई डिस्ट्रीब्यूटेड कितने में, इतने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं, करंट आई इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये एरिया है कितना, पाई आर स्क्वायर। तो मुझे इसके यूनिट एरिया पे करंट पता चल गया। अब कोई मुझसे बोले इतने एरिया में कितना करंट है तो क्या करना है, इसको उठा के इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, भाई तुमको पता चल गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में ये करंट है। कोई बोले 5 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना करंट है, तो इसको उठा के मल्टीप्लाई, बड़ा आसान है। तब हमने कहा चलो अच्छा यहाँ पे हम एम्पियर्स लूप लगाते हैं, लॉ लगाते हैं, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन साइड। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड की कहानी वगैरह वही रहेगी, करंट इसे बाहर आ रहा है, देखो इसे ऊपर ऊपर आ रहा है, मतलब हमने यहाँ कहा बाहर टॉप व्यू है ना, दिस इज वॉट दिस इज टॉप व्यू, टॉप व्यू देखा तो करंट ऐसे बाहर आता हुआ दिखा, ऐसे खूब सारे फाइबर्स, अरे करंट ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मतलब अभी हम ये सब अजम्पशन मान रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल है और हर जगह क्या है कॉन्स्टेंट है सिमेट्री की वजह से, तो बी डॉट डी एल विल बिकम बी डी एल कॉस जीरो, कॉस जीरो वन होगा, बी बाहर आएगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, डी एल डी एल डी एल डी एल इस पे डी एल, ये डी एल को इस पे तो नहीं कर रहा, वायर पे नहीं करना है, जो धागा आप बिछा रहे हैं एम्पियर्स लूप का उस पे। फिर मैंने क्या कहा करंट से बाहर मैग्नेटिक फील्ड को टेंजेंशियल 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 हर जगह बराबर होगी सिमेट्री की वजह से, तो बी डॉट डी एल बाई टेंजेंशियल, देखो डी एल भी यही है बी भी यही है, तो एंगल कितना होगा बी डी एल कॉस जीरो हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन करोगे बी कॉन्स्टेंट है बाहर कॉस जीरो वन, फिर डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा इसका सर्कमफेरेंस विच विल बी टू पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इन साइड। अच्छा बाई इन साइड कैसे निकलेगा, हमें पता है यूनिट एरिया में ये करंट है, दिस इज द करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, तो इतने एरिया में कितना करंट होगा, दिस
मल्टीप्लाइड बाई इसका एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर। बोलो सही कर रहे हैं कि गलत। व्हाट इज जे? करंट पर यूनिट एरिया। इस पूरे में करंट कितना है? आई। तो इतने में करंट कितना होगा? तो ये अपॉन एरिया मल्टीप्लाइड बाई दिस। यूनिटरी मेथड यार, इतने एरिया में करंट आई तो इतने में कितना, तो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई इसका एरिया। तो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलो सही है। यहाँ से पाई पाई मर गया, एक आर से एक आर मर जाएगा। फाइनली विल गेट बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर। बढ़िया सा नया एक्सप्रेशन आया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस बार करंट पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है अंदर अंदर। सो व्हाट यू गेट, ध्यान से देखो, B इज इक्वल्स टू, नोट कर लेना, म्यू नॉट आई आर, याद नहीं करना है, अपॉन टू पाई आर स्क्वायर। डिराइव कर सकें आप एग्जाम में इसको। आप करंट डेंसिटी के टर्म्स में लिखना चाहें, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर करंट डेंसिटी बन जाएगा, म्यू नॉट जे आर बाय टू। व्हाट यू कैन सी इज मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। पिछले केस में अंदर जीरो थी, अंदर करंट नहीं था, इस बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है मैग्नेटिक फील्ड। भाई जे तो कांस्टेंट है, जे की वैल्यू देखो ना, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, करंट तो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट, म्यू नॉट कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है। ध्यान देखो इस एक्सप्रेशन में, देख लो, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब आप जब एक्सिस से सरफेस तक आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। ऐसा स्फीयर केस में भी हुआ था, सॉलिड स्फीयर में जहां अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, नॉन कंडक्टिंग में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी थी सरफेस तक आने तक। सेम वही चीज दिख रही है, वी वर्ल्ड ये यहां से यहां तक आने में। एग्जाम में सीधा ग्राफ आ सकता है, तो उसको दिमाग चला के दौड़ा के आप ग्राफ पे टिक मारोगे कि पहले भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होकर बढ़ेगी और उसके बाद तो घटेगी 1/r से। देखते हैं अभी आगे। ये क्लियर हो गया इनसाइड की कहानी, आउटसाइड चले मिटा दे, पूरा कंसेप्ट क्लियर है। मैंने कहा ये रहा हमारा एम्पियर्स लूप, ये बना, ये पूरा वायर बनाया, करंट ऐसे बाहर आता हुआ, ऊपर आता हुआ, टॉप से देखा ऐसे बाहर आता हुआ दिखा, ये करंट, सिर्फ इतना ही करंट इसके अंदर है। कैसे निकाला? करंट पर यूनिट एरिया इनटू दिस एरिया, खत्म। बी मैंने बोला टेंजेंशियल लेंथ के अलॉन्ग, तो कॉस जीरो, फिर बी कॉन्स्टेंट भी हर जगह सिमेट्रिकल, तो बाहर, फिर डीएल कंटिन्यूशन। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं आउटसाइड पॉइंट की तरफ। इनसाइड पॉइंट हो गया, लेट्स गो टू आउटसाइड पॉइंट। आउटसाइड पॉइंट कौन सा है? क्यू, फॉर विच आर इज ग्रेटर देन आर, इसकी बात करते हैं। तो जब आउटसाइड पॉइंट के लिए बनाओगे तो ये रहा मेरा वायर, ये समझ रहे हो ना क्या बना रहे हैं, फाइबर्स जिसमें से करंट से डॉट डॉट बनके बाहर निकल रहे हैं इस तरह से ऊपर बाहर। और क्यू पॉइंट कहां? इसी तरफ है कहीं, बना लो। ये रहा एम्पियर्स लूप, समझ गए हो, सारा का सारा करंट लूप के अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड हमने माना, करंट ऐसे बाहर आ रहा, मैग्नेटिक खचक खचक, करंट ऐसे ऊपर जा रहा, खचक खचक, टेंजेंशियल टेंजेंशियल, खचक 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 खचक, टेंजेंशियल, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल, मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल, मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल। अभी भी लूप का डायरेक्शन मानने की कोई जरूरत नहीं है जब तक दो डिफरेंट डायरेक्शन करंट ना हो। मैंने सबसे बढ़िया केस आपको शुरू में ही पढ़ा दिया, ये डीएल डीएल डीएल, तो बी डॉट डीएल हर जगह, बी डीएल कॉस जीरो बन जाएगा, बी कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, कितनी दूर है, स्मॉल आर दूर है, ये कितना है, कैपिटल आर है। सो यू विल से बी इंटू टू पाई आर। बोलो कोई दिक्कत है? अरे बी डॉट डी एल इंटीग्रेट करोगे, बी डी एल कॉस जीरो कॉस जीरो वन, बी कॉन्स्टेंट है हर जगह, बाहर आ जाएगा, डी एल डी एल का इंटीग्रेशन करोगे, टू पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इन साइड। आई इन साइड क्या है? पूरा करंट, पूरा का पूरा वायर ही तो अंदर है। तो बी इंटू टू पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, B is equals to mu naught by 2 pi I by R, यानी ये भी वैसा ही आया जैसा इनफाइनाइट वायर का आता है। यानी बाहर से देखने में अभी भी यही लग रहा है कि सारा का सारा करंट सेंटर से पास कर रहा। इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या कि करंट I सेंटर से जा रहा होगा तो R डिस्टेंस पे जाने पे मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट वायर वाला एक्सप्रेशन दे रही है। ठीक है, फील हुआ? ये एक्सप्रेशन तो यही कह रहा है ना, वहां भी यही हुआ था गॉस लॉ में भी, चाहे सॉलिड कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो, बाहर से जब भी देखो ऐसा लगता था कि चार्ज सेंटर पर रखा भी वैसा लग रहा है, अंदर से ऐसा नहीं लग रहा है इस बार क्योंकि अंदर करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आउटसाइड जब आ रहे हो तो बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r और इनसाइड ये कहानी है। देखो इससे एक चीज समझ में आती है, इनसाइड बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब यहां से यहां आते वक्त बी बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया यहां तक, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
और बाहर बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब यहां आने के बाद बी घटता गया। ये बात समझ में भी आती है। अंदर जब तक आप बढ़ रहे थे तो आई इनसाइड बढ़ता जा रहा था, जब आप ऐसे बाहर आ रहे हो सरफेस तक तो आई इनसाइड आपका अंदर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, है ना। जब कोई ऐसे आप बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, तो करंट अंदर बढ़ता जा रहा है, गुच्छा करंट का, जितना ज्यादा करंट उतनी मैग्नेटिक फील्ड। फिर जैसे ही बाहर आना स्टार्ट किए तब करंट तो नहीं बढ़ रहा, पर आप दूर जा रहे हो, दूर जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज। अंदर भी करनी चाहिए पर अंदर करंट वाला फैक्टर डोमिनेट करता है, अंदर भी आप दूर भी जा रहे हो पर करंट भी बढ़ता जा रहा है, बाहर आप सिर्फ दूर जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज। इस काम से कोई बोले ग्राफ बनाओ, इस काम से कोई बोले ग्राफ बनाओ, बी वर्सेस आर, ठीक है, इनसाइड विथ क्या है, आर लेस देन आर, आर ग्रेटर देन आर, इनसाइड विथ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये बनेगा, है ना, ये सिलेंडर इमेजिनरी मान लो, इनसाइड में बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और आउटसाइड में क्या हुआ, बी इज प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर। अच्छा, बी मैक्सिमम कहाँ पे है, सरफेस पे वायर के, देखो ना, जब आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर, बाहर भी गिर रहा है अंदर जाओगे तो अंदर भी गिरता जाएगा। तो ये आपका ग्राफ बनेगा बी वर्सेज आर का प्लॉट। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लॉट बना था सॉलिड स्फीयर के लिए जो कि नॉन कंडक्टिंग नेचर था, जिसमें चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड था, क्लियर है, वन बाई आर स्क्वायर आता है। मिटा रहे, रटना नहीं है कोई चीज, बस समझ लेनी है, क्योंकि रटनी किस लिए नहीं है अभी बताते हैं। रटना क्यों नहीं है ये भी आपको बताते हैं। मान लो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करें, आखिरी सवाल आज का, रट के जाओगे तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया पूरा ना। अभी तो इनफाइनाइट वायर का है, अभी सोलेनोइड के लिए पढ़ाएंगे तो पूरी और नई कहानी सिखाएंगे, टोराइड में और कहानी आएगी एम्पियर सर्किटल लॉ की, अभी आज बेसिक चल रहा है एकदम। मान लो आपके पास एक बढ़िया सा क्वेश्चन आया, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम एक्सिस ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट सिलेंड्रिकल वायर। देखो लॉन्ग का मतलब है इनफाइनाइट की तरफ, वो आपको हिंट कर रहा है, बहुत लॉन्ग ना, फ्रॉम एक्सिस ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट सिलेंड्रिकल वायर, लॉन्ग लिखा हो समझ जाओ इनफाइनाइट वायर की बात है, वायर कैरिंग करंट सच दैट करंट डेंसिटी J is equals to J naught R, where R is distance from axis and J naught is constant. Radius is capital R. बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। सोचो जो करंट डेंसिटी है वो वेरिएबल है, J is equals to J naught R, मतलब करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है इस बार। वाह भाई वाह, मतलब अगर मैं यहां पे सिलेंडर बनाऊं तो इसका मतलब है कि इनफाइनाइट सिलेंडर बनाना है, क्योंकि लिखा है लॉन्ग, ठीक है, और को सवाल इनसाइड ही दिया है, आउटसाइड तो तुमको पता है कर ही लोगे, अंदर का करंट पूरा रख दोगे इनसाइड, और बोला इसका रेडियस कैपिटल आर है, और जरा देखो करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, जे इज इक्वल्स टू जे नॉट आर, करंट डेंसिटी है मतलब ये, मतलब जब आर की वैल्यू जीरो है, R क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, है ना, पहले चीजें समझते चलो, R इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, तो जब R की वैल्यू जीरो है तब J जीरो है, यानी करंट की डेंसिटी करंट पर यूनिट एरिया तब जीरो है, यानी यहां करंट जीरो है, और जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ रही वैसे वैसे करंट डेंसिटी बढ़ रहा, यानी करंट पर यूनिट एरिया बढ़ रहा, मतलब यहां थोड़ा सा करंट बहा, फिर यहां थोड़ा ज्यादा करंट बहा, फिर और ज्यादा करंट, फिर और ज्यादा, फिर करंट बढ़ता जा रहा, यहाँ करंट कम है, यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा, यहाँ और बढ़ा और बढ़ा, बोलो समझे, करंट ऐसे फैलता जा रहा है, मतलब बीच में एकदम कम करंट है और ऐसे आते थे करंट बढ़ता जा रहा, करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा करंट बढ़ता जाएगा, एंड डेफिनेटली दिस विल हैपन ओनली टिल आर इज लेस देन आर, भाई वायर के बाहर थोड़ी ना करंट होगा, ये तो आप कॉमन सेंस से समझ सकते हो।
अब हमसे कहा कि यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम एक्सिस ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट सिलिंड्रिकल वायर कैरिंग करंट सच दैट करंट डेंसिटी जे इज इक्वल्स टू जे नॉट आर एंड आर इज लेस देन आर, ये भी बोल रहा है आपसे। तो हमको यहां पे पी पॉइंट दे दिया विच इज एट अ डिस्टेंस आर, आप बाहर भी निकालना चाहो बाहर भी निकालो, हम सिर्फ अंदर का वर्क करके छोड़ देंगे, बाहर का बहुत आसान हो जाएगा। एट पॉइंट पी इन साइड हमें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो ठीक है हम यहां पर एक एम्पियर सर्किटल लूप बनाएंगे। इसका फिर से हम टॉप व्यू देखेंगे, करंट मान लेते हैं ऐसे ऊपर जा रहा है पूरा, इसका फिर से हमने टॉप व्यू देखा, टॉप व्यू देखा तो ये हमें वायर दिखा जिसमें से करंट ऊपर की तरफ या बाहर की तरफ निकलता आ रहा है, दिस इज आर वायर, और इसके अंदर हमारा एम्पियर लूप यहाँ से आर डिस्टेंस पे सुनहरा सा ये बन गया है। कोई दिक्कत नहीं थी, मैग्नेटिक फील्ड हमको पता है सिमेट्रिकल कहानी है तो टेंजेंशियल होगी, मतलब उन सब में कोई इशू है ही नहीं, बी डॉट डी एल उन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी कहाँ पे बनाओगे इस पे बनाओगे, दिस इज योर एम्पियर लूप, ये सब ध्यान देना ऐसे बी बी ठीक है ऐसे, और डी एल बी सी डायरेक्शन में ले लो क्योंकि अभी सारा करंट एक ही डायरेक्शन में है तो लूप डायरेक्शन मानने की आज भी जरूरत नहीं पड़ी, हो सकता है अगले लेक्चर में पढ़े ठीक है। तो बी डॉट डी एल विल कम वी डी एल कॉस जीरो, सब दिख रहा है आपको ना, बी डी एल कॉस जीरो, बी हर जगह सिमेट्रिकल है तो यार एक्सिस से बराबर दूरी पे बी हर जगह सेम होगा, बाहर आ गया डी एल डी एल डी एल का इंटीग्रेशन करा तो टू पाई स्मॉल आर आ गया, सही है, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इन साइड, आई इन साइड कितना है सर, करंट डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर दे, नहीं कर सकते, ये करंट डेंसिटी कहां पे है भाई, आर की वैल्यू क्या रखोगे, समझ रहे, करंट डेंसिटी चेंज हो रही है ना, आप उठा के सीधा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उठा के आप इस एरिया से इसको, अगर आप बोलोगे कि यहां पे जो आई इनसाइड है दैट इज जे इंटू पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर तो लिखोगे नहीं ना, इतने तो बेवकूफ होने, हमको इसी के अंदर आई इनसाइड चाहिए, इसके अंदर कितना करंट है, तो करंट डेंसिटी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट नहीं है, हर जगह अलग अलग है, यहां पे करंट कम है, यहां पे ज्यादा, यहां पे ज्यादा, यहां पे और ज्यादा, यहां पे और ज्यादा, बढ़ता जा रहा है, यहां की करंट डेंसिटी को छोटे से एरिया से मल्टीप्लाई करना होगा, यहां की करंट डेंसिटी को इस छोटे से एरिया से, यहां करंट डेंसिटी को इस छोटे से एरिया से, यहां करंट डेंसिटी को इस छोटे से एरिया से, उन सबको जोड़ना होगा तब नेट करंट आएगा। बोलो बात मेरी समझ में आई, पूरी करंट डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करोगे गलत आंसर आएगा, बिकॉज दिस इज नॉट कॉन्स्टेंट, इस जगह पे करंट डेंसिटी बहुत कम है तो इसको एरिया से मल्टीप्लाई किया जीरो करंट आया, इस जगह करंट डेंसिटी मान लो वन है फिर इसको यहां के छोटे से एरिया से मल्टीप्लाई किया थोड़ा सा करंट मिला, यहां पे ज्यादा है फिर यहां के बड़े से एरिया से मल्टीप्लाई किया करंट और ज्यादा, यहां पे और ज्यादा इसके एरिया से मल्टीप्लाई किया करंट और ज्यादा। अब आप गलती क्या करते हैं, आप एक कॉन्स्टेंट करंट डेंसिटी से पूरे एरिया को मल्टीप्लाई करते, समझ लो, इस आर की वैल्यू क्या रख के मल्टीप्लाई करोगे, मेरा सवाल यह है, आर की वैल्यू जीरो भी हो सकती है और आर की वैल्यू आर भी हो सकती है, तो हमें इसके लिए इंटीग्रेशन का खेल खेलना पड़ेगा। ध्यान से देखो, ये मैंने आपका एम्पियर लूप ड्रॉ किया, इसी में से आपको आई इनसाइड निकालना है टोटल, और मैंने कहा कि मान लेते हैं यहां से हम एक्स डिस्टेंस पे आके, एक्स डिस्टेंस पे आके एक पतली सी रिंग काटेंगे, कितने विड्थ की, डी एक्स विड्थ की, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे आके हमने एक पतली सी रिंग काटी डी एक्स विड्थ की, ठीक है, और हमने कहा कि इस रिंग में, पतली सी रिंग में, समझ रहे हो, यहां पे आके हमने करंट डेंसिटी देख ली और उसको यहां के एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पतली सी रिंग का एरिया कितना होगा, एरिया डी है छोटा सा एरिया, तो एक्स डिस्टेंस पे है तो इसको पहले खोल लो, सीधी हो जाएगी स्ट्रिप तो लेंथ हो जाएगी टू पाई एक्स, आई होप इतनी मैथमेटिक्स आपको आती होगी, जब इसको खोल लोगे तो इसकी लेंथ टू पाई एक्स और इसकी विड्थ कितनी है डी एक्स, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अरे भाई समझ नहीं रहे हो, हमने कहा कि करंट कैसे निकले, तो हमने कहा यहाँ के जे को यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई करो, यहाँ के जे को यहाँ के ऐसे, यहाँ के जे को यहाँ के ऐसे, यहाँ के जे को यहाँ ऐसे, तो हमने एक जगह पे जाकर एरिया निकाल कर जे से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक के लिए, समझ गए, अच्छा तो हमने कहा ये स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप को खोल के देख लो, ये स्ट्रिप लो, अब सही है, स्ट्रिप की लेंथ कितनी होगी टू पाई एक्स और इसकी विड्थ कितनी होगी डी एक्स, तो इसका एरिया कितना हो गया टू पाई एक्स डी एक्स हो गया। फिर हमने कहा करंट कितना है इस स्ट्रिप का, छोटा सा करंट डी आई, इस स्ट्रिप में से बाहर निकलता हुआ करंट कितना है, तो हमने कहा जे मल्टीप्लाइड बाई डी ए, जे की वैल्यू क्या है जे नॉट आर, आर क्या है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस कितना ले रखा है अभी एक्स, तो ये हो जाएगा जे नॉट एक्स और डी ए हो गया टू पाई एक्स डी एक्स, ये हो गया छोटा सा करंट डी आई जो इतने में से बन रहा है,
क्या किया आपने, उस जगह का जे देखा, जे नॉट आर की जगह एक्स, उतने पतले से का एरिया देखा हमने, इसको खोल के 2πx और इसकी विड्थ dx मान ली एक्स डिस्टेंस पे, और ये छोटा सा करंट आया। अब अगर टोटल करंट चाहिए तो इसको इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे, x की वैल्यू कहां से कहां, कैसे कैसे रिंग काटनी है, एक यहां काटनी होगी, एक यहां काटनी होगी, यहां के j को a से, यहां के j को a से, यहां के j को a से, सबसे मल्टीप्लाई करना होगा कि नहीं, j को da, j को da, j को da, कहां से कहां, x is equals to 0 से लेके x is equals to r तक, ये आपको मिल जाएगा नेट करंट। di का इंटीग्रेशन करोगे तो मिलेगा i नेट इनसाइड, j नॉट कांस्टेंट है बोला है बाहर ले लो, 2 पाई कांस्टेंट बाहर, अंदर बचा x स्क्वायर dx, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x क्यूब, तो x क्यूब बाई 3 होगा, वेरी सॉरी 0 से लेके r तक, बोलो सही है, x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन, इसको हम लिख सकते हैं j नॉट 2 पाई r क्यूब बाई 3, ये मिल गया आपको i नेट इनसाइड, इसको यहां पुट कर दो b मिल जाएगा, एक्सक्यूज मी, बोलो आ गया, ये सही समझ में आई, इसमें करंट इनसाइड के लिए यहाँ जे को सीधा एरिया से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि जे वेरी कर रहा है, तो हमने यहाँ के जे को यहाँ से एरिया से, यहाँ के जे को यहाँ से एरिया, यहाँ के जे इंटू डी ए, जे इंटू डी ए, जे इंटू डी ए करके जोड़ दिया, तो जे इंटू डी ए करके इंटीग्रेट कर दिया, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना चाहिए, ये पूरा करंट हमको चाहिए आई इनसाइड, तो जीरो से लेके आर तक इंटीग्रेट किया, क्लियर है एकदम। अब इस करंट को उठा के यहाँ पे रख दो, खेल खत्म, बी इंटू टू पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू नेट करंट इनसाइड इज जे नॉट टू पाई आर क्यूब बाई 3, 2 पाई से 2 पाई मर गया, आर से एक आर मर जाएगा, दिस विल बिकम आर स्क्वायर, चलो अभी काटते हैं, सो बी विल बी म्यू नॉट जे आर स्क्वायर अपॉन 3, यही बचेगा म्यू नॉट और जे नॉट, म्यू नॉट जे नॉट कॉन्स्टेंट है ना, जे नॉट b is equals to mu naught j naught r square by 3। अब देखो क्या दिख रहा है कि b is proportional to r square। कोई हमसे ग्राफ बनाने को कहे कि b कैसे वेरी कर रहा है, कोई हमसे ग्राफ बनाने को कहे कि b r के साथ कैसे वेरी कर रहा है, ऐसे अप टू कैपिटल r, b is proportional to r square, जब तक बाहर नहीं आ रहे, बाहर तो 1 by r हो जाएगा, बाहर पूरा करंट, अंदर तो 1 by r, क्लियर। इस बार तेजी से बढ़ रहा है करंट, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि करंट भी बढ़ रहा था, करंट बढ़ता जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड भी, बोलो क्लियर हुई कहानी पूरी। तो इस तरह से आपको एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के लिए। अगले लेक्चर में लेके आएंगे सोलेनाइड का केस, उसके बाद टॉराइड का, तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।